अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू आर फाइन। क्लास सिक्स इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हम चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ के लेक्चर्स में आपको डिलीवर कर चुकी हूँ। हम सेकेंड टर्म सिलेबस के दो चैप्टर कवर कर चुके हैं और अब हम सेकेंड टर्म के सिलेबस का लास्ट चैप्टर मेजर लैंड फीचर्स के बारे में मैं अब आपको लेक्चर डिलीवर करूँगी, लेक्चर नंबर 7। ओके क्लास, तो मेजर लैंड फीचर्स जिस तरह हमारे फेस के फीचर्स हैं, नोज, लिप्स, चीक्स, आईज, फोरहेड, चिन, इसी तरह हमारी लैंड के भी, हमारी ज़मीन के भी फीचर्स पाए जाते हैं, लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस। और ये हमारी ज़मीन के फीचर्स हैं कि ज़मीन की किस तरह की शक्ल है। तो लैंड फीचर्स के बारे में इंट्रोडक्शन आपको करवाती हूँ क्लास में। द सरफेस ऑफ आर अर्थ इज़ नॉट होमोजीनियस। द सरफेस ऑफ आर अर्थ इज़ नॉट होमोजीनियस। हमारी जो अर्थ, हमारी ज़मीन की जो सरफेस है वो होमोजीनियस नहीं है, वो एक जैसी नहीं है। कि अगर प्लेन है तो पूरी ज़मीन, पूरी अर्थ प्लेन नहीं है। अगर ओशन है तो पूरी अर्थ ओशन से कवर नहीं है। डिफरेंट फीचर्स हमारी अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। अ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स, लैंड की शक्ल, ज़मीन की शक्ल को लैंड फॉर्म्स कहा गया है। अ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म कैन बी सीन ऑन इट, कि हम ज़मीन की सतह के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें देख सकते हैं जो नेचुरली, जो कुदरत की तरफ से बनी हुई हैं। देयर आर एलिवेटेड पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स, उसका कुछ हिस्सा माउंटेन्स में है, पहाड़ों पर मुश्तमिल है। टेबल लैंड, टेबल मतलब फ्लैट होती है, तो टेबल लैंड लाइक फीचर्स विच आर कॉल्ड प्लेट्यूज, के टेबल एक फ्लैट लेकिन अपवर्ड, ऊपर की तरफ वो मूव होती है। एंड वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड इन द फॉर्म ऑफ प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये हमारे लैंड फीचर्स में शामिल है। इवन द सी फ्लोर इज कंप्राइज ऑफ अनइवन सरफेस, ओशन जो रिवर सीज पाए जाते हैं हमारी अर्थ पे, इवन उसके अंदर ओशन, समंदरों के अंदर जो फर्श है वो भी अनइवन है, वो भी बिल्कुल हमवार, बिल्कुल फ्लैट नहीं है। जो समंदर का फर्श है वो भी कहीं पे माउंटेन्स की उसकी शेप है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे वो प्लेन एरिया है। आई होप आपको लैंड फीचर्स के बारे में पता चला है कि ज़मीन की, हमने अशकाल के बारे में इस चैप्टर में रीड करना है कि ज़मीन की अशकाल बनी कैसे पहले, और वो उन अशकाल में, उन लैंड फॉर्म्स में कौन से फैक्टर्स शामिल हैं। ओके क्लास, आपको इंट्रोडक्शन से पता चल गया कि हमारी ज़मीन की जो शक्ल है वो एक जैसी होमोजीनियस नहीं है। कहीं पे प्लेन्स है, माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे प्लेन्स एरिया है। नाउ वी मूव ऑन, हाउ लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड, ज़मीन की जो अशकाल है वो कैसे बनती है, ज़मीन की जो अशकाल है वो कैसे बनती है। तो यहाँ पर टू वेज हैं जिससे ज़मीन की जो अशकाल है, जो ज़मीन के लैंड फॉर्म्स है वो बने हैं, जो ज़मीन के लैंड फीचर्स हैं, अर्थ के लैंड फीचर्स हैं, उनकी फॉर्मेशन हुई है। इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ अर्थ। क्लास, लैंड फॉर्म्स को, जो हम लैंड फॉर्म्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म इज़ कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। जो ज़मीन की लैंड फीचर्स के बारे में स्टडी को जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो अब हम आते हैं कि लैंड फीचर्स, लैंड फॉर्म्स किस तरह से बनते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ एंड सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। तो इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ को हम देखते हैं वो किस तरह से है। देयर आर फोर्सेस, कुछ यहाँ पे कुवतें हैं इन साइड द अर्थ, ज़मीन के अंदर, विच पुश अ पार्ट ऑफ अर्थ, जो पुश करती हैं, दिखेलती हैं अ पार्ट ऑफ अर्थ, ज़मीन के हिस्से को, अपवर्ड ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड नीचे की तरफ। ओके क्लास, ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी कुवतें हैं, ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी इनसाइड, ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी कुवतें हैं जो ज़मीन के हिस्सों को पुश करती हैं, दिखेलती हैं अपवर्ड ऊपर की तरफ एंड डाउनवर्ड नीचे की तरफ। दीज फोर्सेस क्रिएट न्यू लैंड फॉर्म, जब वो ज़मीन को अंदर से ऊपर की तरफ या डाउनवर्ड वो मूव करेंगी, उनको पुश करेंगी, दीज फोर्सेस क्रिएटेड न्यू लैंड फॉर्म्स, दीज फोर्सेस क्रिएटेड
न्यू लैंडफॉर्म, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन के ऊपर एक नई शक्ल की कोई भी माउंटेन, प्लेटूज या प्लेन एरिया बन जाता है। दी कॉन्टिनेंट्स एंड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाई दीज फोर्सेज। जो ज़मीन के ऊपर माउंटेन्स बने हैं, जो कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, प्लेन्स एरिया बने हुए हैं, वो इंटरनल फोर्सेज की मदद से बने हुए हैं। नाउ वी मूव ऑन, व्हाट इज़ एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द अर्थ। मूव ऑन एन अदर मैथड और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ द अर्थ। व्हेन अ पार्ट ऑफ अर्थ इज अपलिफ्टेड, ये हमने मैंने आपको इंटरनल में समझाया कि किस तरह से इनसाइड अर्थ को फोर्सेज किस तरह पुश करती हैं ऊपर की तरफ क्लास, उसकी वजह से ज़मीन का वो हिस्सा अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है। तो यहाँ पर व्हेन अ पार्ट ऑफ अर्थ इज़ अपलिफ्टेड, जब ज़मीन का कोई हिस्सा ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, अपवर्ड वो मूव कर जाता है बाय द इंटरनल फोर्सेस, अंदरूनी कुवतों की वजह से, जब वो हिस्सा ज़मीन के ऊपर आ जाता है फिर क्या होता है, विंड्स, रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, ग्लेशियर एंड सी वेव्स कर्व आउट डिफरेंट फीचर्स ऑन इट। विंड्स, हवाएं उस पर पड़ती हैं, हवाएं उसको लगती हैं, पानी उस पर गिरता रहता है, तो वो ज़मीन के बाहर आने वाला जो हिस्सा है उसकी फॉर्म चेंज होती रहती है। वो माउंटेन्स की कहीं पे शक्ल अख्तियार कर लेगा, बहते हुए नीचे की तरफ आएगा तो प्लेट्यूज की शक्ल अख्तियार कर लेगा, वहाँ से वो फ्लैट होता हुआ आएगा तो प्लेन्स की शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो जो इंटरनल फोर्स के बाद जो अपलिफ्टेड पार्ट के ऊपर विंड्स, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, सी वेव्स का इफ़ेक्ट होता है, उसकी वजह से ज़मीन मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार कर लेती है, तो माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स एरिया बन जाते हैं। तो ये जो विंड्स, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, सी वेव्स हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। आई होप क्लास आपको इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में समझ आया होगा कि किस तरह से लैंड फीचर्स, लैंड की फॉर्मेशन होती है थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। और लैंड फॉर्म की जो स्टडी है, द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आप इससे रिलेट इसको याद करें, लिखें, जो स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं उसकी करेक्शन करें। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।